की चर्चा हर तरफ है। वहीं उसकी कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि इनमें विक्की कौशल और सलमान खान की एक वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल इसमें सुरक्षा कारणों से अबू धाबी में चल रहे आईफा में सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ने कथित तौर पर विक्की कौशल को धक्का दिया गया था। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स का दोहरा रिएक्शन देखने को मिला था, जिसके चलते कई फैंस सलमान खान को तो कुछ विक्की कौशल को सपोर्ट कर रहे थे। इसी बीच इन खबरों पर विक्की कौशल का रिएक्शन सामने आया है। इतना ही नहीं, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों स्टार्स एक दूसरे के गले लगते हुए दिख रहे हैं। सामने आई वीडियो में मीडिया ने जब एक्टर विक्की कौशल से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि चीजें वैसी ना हो जैसा कि वीडियो में दिख रहा है और इसलिए इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक्टर कहते हैं, कई बार चीजों के बारे में बेकार की बकबक शुरू हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। चीजें वास्तव में वैसी नहीं है जैसी ये वीडियो में दिखाती है, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। इस इंटरव्यू के अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आईफा के रेड कार्पेट पर विक्की कौशल से सलमान खान मिलते हुए दिख रहे हैं, वहीं उन्हें गले लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस भी दोनों स्टार्स के लिए अपना प्यार जताते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें विक्की कौशल अपने फैंस के साथ सेल्फी ले रहे थे, तभी सलमान खान की एंट्री होती है। वहीं जब विक्की सलमान का अभिवादन करने के लिए उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो सुरक्षा कर्मी उन्हें धक्का देते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो ने कई फैंस को नाराज कर दिया था। गौरतलब है कि आईफा अवार्ड्स 2023 अबू धाबी में हो रहा है, जिसमें विक्की कौशल, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, नोरा सिंह, रकुलप्रीत सिंह और ईशा गुप्ता सहित कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल होने पहुंची है।